नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र दलाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द लीगल एड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंटिसिपेटरी बेल के बारे में कि एंटिसिपेटरी बेल होती का क्या है, आपको एंटिसिपेटरी बेल कहां से मिलेगी, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और एंटिसिपेटरी बेल लेने के बाद हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, एंटिसिपेटरी बेल का मतलब होता है कि अग्रिम जमानत, यानी गिरफ्तार होने से पहले जो आप जमानत लेते हैं वो आपकी एंटिसिपेटरी बेल है। उदाहरण के लिए, अगर आपका किसी ने गलत या फॉल्स केस में आपका नाम लिखवा दिया है और कोई ऐसे इंसिडेंट बताया गया है जिसमें आप वहाँ थे ही नहीं, आप कहीं और पे थे, ऐसे साक्ष्य आपके पास हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप एंटिसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं और आपको अग्रिम जमानत मिल जाएगी। अब आपका ये सवाल आता है कि आपको ये मिलेगी कहाँ से, तो देखिए, एंटिसिपेटरी बेल के लिए 438 CRPC में प्रोविज़न किया गया है। 438 CRPC में आप कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट में आप बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इसके लिए 438 CRPC में आपको एक बेल एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होगी और उस बेल एप्लीकेशन को में आपको ये साक्ष्य देने होंगे जिनके आधार पर आप बेल ले रहे हैं, अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं या बता रहे हैं कि मुझे झूठा फंसाया गया है। इसके बाद आपको इसके क्या फ़ायदे मिलेंगे, देखिए, जब आपने सबूत दे दिए आपको बेल मिल जाएगी। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, एक तो पुलिस की हरासमेंट से आप बच जाएंगे, पुलिस जो आपको हरास करेगी उससे आप बच जाएंगे, आपको बेल मिल जाएगी। पुलिस जब आपको सिर्फ आपको पूछताछ के लिए जब बुलाएगी आपको जाना पड़ेगा, पूछताछ में आपको सहयोग करना पड़ेगा। उसके अलावा जो आपको झूठा फंसाया गया उससे आप बच गए हैं। ट्रायल आपको फेस करनी है, सबूत आपको ट्रायल के टाइम पर देने हैं और उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको रेगुलर बेल है जो मिल जाएगी। यहाँ पे आप ध्यान दें कि जो एंटिसिपेटरी बेल आप फाइल करेंगे ये डिस्कशनरी पावर है, यानी कोर्ट की मर्जी है। अगर उसको ये लगेगा कि आप बेल सही तरीके से मांग रहे हैं, आपके सबूत सच्चे हैं, तो आपको बेल दे देंगे, नहीं तो नहीं, ये आपका राइट नहीं है। अब मैं बात करूँगा इसके कुछ नुकसान के बारे में कि एंटिसिपेटरी बेल लेने के क्या नुकसान भी हो सकते हैं। तो जी हाँ, देखिए, अगर आपको किसी फॉल्स केस में फंसाया गया है और आपके उसके साक्ष्य भी हैं, आपको निर्दोष बता रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करते हैं, कई बार अमूमन ये देखा जाता है कि वकील साहब के पास जाते हैं, आपको एंटिसिपेटरी बेल के लिए कहा जाता है और आप भी बचने के लिए जल्दी में हड़बड़ाहट में एंटिसिपेटरी बेल करा लेते हैं। यहाँ पर आपने अपने आपको खुद को दोषी बना लिया है और 3-4 साल लिटिगेशन भुगतने के लिए आपने खुद को तैयार किया है, क्योंकि अगर आपके पास साक्ष्य थे और आपके खिलाफ कंप्लेंट आई थी, आपने तुरंत प्रभाव से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलना था और ये साक्ष्य उनको प्रोवाइड कराने थे जिससे आपको उस केस से निकाल दिया जाता, लेकिन आपने एंटिसिपेटरी बेल बनाई है तो खुद को आपने मुलजिम बना लिया है। आपको केस चलने तक, ट्रायल फेस करने तक आपको इस केस को भुगतना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में ध्यान रखें, अगर आवश्यकता नहीं है या आपने हर तरह से प्रिपरेशन कर ली है, तैयारी कर ली है, जो भी आप कर सकते थे वो आपने कर लिया है, फिर भी आपका नाम उस केस से नहीं निकल रहा है, साक्ष्य भी आपने दे दिए हैं फिर भी नहीं हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में ही एंटिसिपेटरी बेल कराएं। अब आपको जब एंटिसिपेटरी बेल मिल गई है तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर एक, जब आपको पुलिस बुलाए तो आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना चाहिए। देखिए, जब आपको एंटिसिपेटरी बेल मिल गई है तो पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी, आपको हरास नहीं करेगी, वो आपसे पूछताछ कर सकती है। पूछताछ के लिए जब आपको बुलाएं तो आप पूछताछ के लिए आपको जाना चाहिए। नंबर दो, आपको जो कंप्लेनेंट यानी शिकायतकर्ता है, शिकायतकर्ता को डराना या धमकाना, किसी प्रकार से फोर्स या उस पर दबाव नहीं डालना है। ऐसा ही विटनेसेस के लिए है, यानी जो गवाह हैं उन पर भी ना आपने कोई दबाव डालना है, ना उन पर किसी पर से उनको डराना है, ना धमकाना है। इसके अलावा अगर आप देश छोड़कर जाना चाह रहे हैं या आपका कोई काम है, आप कुछ टाइम के लिए भी देश छोड़ना चाह रहे हैं, किसी विदेश में जाना चाह रहे हैं किसी काम के लिए, तो उसके लिए आपसे कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, कोर्ट को इंटीमेशन आपको कोर्ट को देनी होगी। उम्मीद करता हूं कि आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे एंटिसिपेटरी बेल के बारे में। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।